मुजफ्फरपुर में ट्रक को ओवरटेक करने में मोबिल नदी पिकअप पलटी, पिकअप चालक घायल, लोगों के चटने पर हो गया फरार, सड़क पर ही बहन लगा मोबिल। मुजफ्फरपुर में रोड से धूल हटा रहे मेयर, पॉल्यूशन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए संभाला मोर्चा, पानी टंकी चौक से मिठनपुरा तक की सफाई। गर्मी का टूटेगा रिकॉर्ड, 5 जिलों में लू का अलर्ट, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में खतरा, पटना में 45 के पार पहुंचेगा पारा। सीएम समय ही नहीं दे रहे थे इसलिए फोड़ा पटाखा, नीतीश कुमार के कार्यक्रम में घटनारोपी बोला राष्ट्रीय मुद्दों पर हमको बात करनी। बक्सर में विंध्याचल दर्शन करने गए श्रद्धालु की मौत, दोस्तों के साथ दर्शन करने गया तो नहाने के दौरान हुआ हादसा, 6 लोगों को गोताखोरों द्वारा बचा लिया। सीएम की सभा में पटाखा फोड़ने वाला भी मानसिक बीमार, अजब संयोग, मुक्का मारने वाला भी मानसिक बीमार ही था, एडीजी सुरक्षा करेंगे जांच। गोपालगंज जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष बने प्रेमनाथ मिश्र, चुनावी मतदाता अधिवक्ताओं ने पुरानी टीम पर जताया भरोसा, महासचिव पद पर शैलेंद्र तिवारी ने हासिल की जीत। मोतिहारी में 2 करोड़ के चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 750 ग्राम हेरोइन के साथ 2 बाइक भी की गई बरामद, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी जब्त। 1000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, 18 अप्रैल को विशेष चक्र के तहत हुई काउंसलिंग में चयनित शिक्षकों को डाक से भेजा जाएगा नियुक्ति पत्र। नालंदा में स्कॉर्पियो ने 2 बहनों को रौंदा, ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी, दोनों हाईवे पर हुआ हादसा, 1 की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नालंदा में दिखा रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने टेम्पो में मारी टक्कर, 2 चचेरे भाइयों की हुई मौत। नवादा में खड़ी कार में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी, क्लिनिक के बाहर कार खड़ी कर डॉक्टर को दिखाने गए थे तभी इंजन से धुआं निकला और लग गई आग। पटना में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर सोना लूटा, हालत गंभीर, स्कूटी से घर लौट रहे थे स्वर्ण व्यवसायी अपराधियों ने 300 ग्राम सोना लूट लिया। सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर पर 6 लाख का चीनी बरामद, ट्रक के साथ धान भी जब्त, नेपाल के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसी भी सवालों के घेरे में। समस्तीपुर में बस ट्रक में भिड़ंत, 24 घायल, बेगूसराय के अयोध्या घाट से दाह संस्कार कर बस से लौट रहे थे 10 की हालत गंभीर। मोतिहारी में शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, पत्नी को स्कूल छोड़ जा रहे थे अपने स्कूल नकाबपोश अपराधियों ने दाग दी 3 गोलियां। सिवान में बैंक खुलते ही 26,40,000 की जगह थी, सुबह 9:45 बजे दाखिल हुए 5 नकाबपोश बदमाश, बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर खुलवाया लॉकर। भोजपुर में बदमाशों ने छात्र पर की गोलीबारी, पूर्व के विवाह को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप का प्रयास, दी बचाव करने गए भाई का सिर फोड़ा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला युवक धराया। ग्रेजुएशन में एडमिशन को 15 अप्रैल से खुलेगा पोर्टल, BRABU के कॉलेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। PU लॉ सेकेंड पार्ट में ऑनलाइन भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म, 18 से 22 अप्रैल तक तिथि है निर्धारित, CKM लॉ कॉलेज के विशेष परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आज से। मुजफ्फरपुर में ACMO को मिला सिविल सर्जन का प्रभार, CS डॉक्टर कुमार को लापरवाही के चलते किया गया था सस्पेंड, AES JEE की रोकथाम व बचाव होगी चुनौती। रातों रात प्यार और सुबह मंदिर में शादी, बर्थडे पार्टी में आई थी भाई की साली, घर वालों के सामने किया इजहार, परिजनों ने करा दी शादी। भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान 2 दोस्त डूबे, 1 को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरा लापता, SDRF की टीम खोजबीन में जुटी। बगहा में अलग अलग हादसे में 4 लोग जख्मी, NH-727 पर नीलगाय बाइक से टकराई, इधर ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर। DM के निरीक्षण में डॉक्टर ही नहीं मिले, इटारी PHC में समय पर स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं पहुंचे, अनुपस्थित लोगों की 1 महीने की सैलरी बंद। राजगीर शांति स्तूप का रोप वे सुरक्षित, निर्भीक होकर आए देवघर, हादसे के बाद प्रबंधन ने कहा टेक्निकल टीम की संतुष्टि के बाद ही करते हैं चालू। घास की खेती से सालाना 20 लाख की कमाई, गोपालगंज में किसान मेघराज को लोग पागल समझते थे, अब तारीफ करते नहीं थकते। शेखपुरा में बाइक और ऑटो के बीच भिड़ंत, 2 युवक घायल, पुलिस ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल। पालीगंज और संदेश के इंस्पेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी, संदेश के इंस्पेक्टर और पालीगंज के सर्किल ऑफिसर के ठिकानों पर रेड। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।